तो आज मैं आप लोगों को फ्राइड चिकन बनाने का बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी। इस तरीके के अगर आप चिकन पकौड़ा बनाओगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और जूसी बनेगा हमारा चिकन। चिकन पकौड़ा तो आपने बहुत बार खाया होगा लेकिन मेरे स्टाइल में आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए रेसिपी कैसे बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है। चिकन का पीसेस मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके लिया, आप चाहे बड़ा या छोटा ले सकते हो। बस इसी स्टेज पर अब हम डालेंगे यहाँ पर एक अंडा। आप चाहे आप आपकी चिकन कितना लिया है उस हिसाब से अंडा ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक अंडा ही यूज़ कर रहा हूँ। बस अभी यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लगभग यहाँ पर एक टेबल स्पून। इसी चिकन पर अभी जाएगा कुछ सूखी मसाला। सबसे पहले 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और साथ ही साथ यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, साथ ही साथ यहाँ पर मिर्ची पाउडर और यहाँ पर डालूँगी अभी 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। लास्ट में हम डालूंगे यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया। बस लास्ट में यहाँ पर हम डालेंगे सोया सॉस। सारे मसाला डाल दिया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पेपर डालूंगी और साथ ही साथ यहाँ पर सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, क्योंकि सोया सॉस में काफ़ी ज़्यादा नमक रहता है इसीलिए नमक आप आपके हिसाब से डाल दीजिए। यहाँ पर लास्ट में हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छा से एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। बस देखिए मिक्स कर लिया। आप चाहे इसी स्टेज पर ना मिक्स करके आधा एक घंटे के लिए रेस्ट में रख सकते हो। मैंने यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैं इंस्टेंट ही बना रहा हूँ। चलिए इसे फ्राई कर, तो चलिए फटाफट चिकन को फ्राई करते हैं। इसे फ्राई करने के तेल को बहुत अच्छे से हमने गरम कर लिया है। आप चलिए इसी तरह से एक एक करके चिकन का पीसेस को हम डालेंगे इस गरम तेल में। सारे चिकन का पीसेस को मैंने तेल के अंदर डाल दिया। अभी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो हमारा चिकन ऊपर से काला रह जाएगा, अंदर से एकदम कच्चा रह जाएगा, इसीलिए हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बस देखिए इसी तरह से हम फ्राई करेंगे घुमाते हुए। एक एक साइड को हम 5 या 2 मिनट करके फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा चिकन एकदम अच्छे से पक गया है। मैंने कम से कम 6 या 7 मिनट इस चिकन को फ्राई किया है, एकदम अच्छे से पका है। चलिए अभी देखते हैं हमारा चिकन पक कैसे बना। देखिए कितना फटाफट बन के तैयार हुआ है। अगर आपको इंस्टेंटली चिकन पकौड़ा बनाना का तो मेरा इस रेसिपी देख के बना सकते हो। तो देखा आपने कितनी फटाफट हमारे चिकन पकौड़ा बनकर तैयार हुई है। आप इस चिकन पकौड़े को इंस्टेंटली इसी तरह से बना सकते हो। तो आप इस पकौड़े को हरी चटनी या तो पुदीना चटनी के साथ या तो दही के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये चिकन पकौड़ा। वैसे तो चिकन पकौड़ा बनाने के टाइम बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। चिकन को मैरिनेट करके हम 1 या 1.5 घंटे के लिए रख देते। तो आज का मेरा इस रेसिपी देखने के बाद आप इंस्टेंटली चिकन पकौड़ा बना सकते हो। तो आज का इस वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। फिर मिलते कोई नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।